दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं कि फायर तीन चीजों से मिलकर बनती है, ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। और अगर इन तीन चीजों में से कोई एक चीज निकाल दी जाए तो आग नहीं जलेगी। अगर बात करें सन की, तो सन की फायर 4.6 बिलियन ईयर्स पहले से ही जल रही है, जबकि स्पेस में कोई ऑक्सीजन नहीं है। आखिर सन के फायर के पीछे क्या रीजन है, चलिए जानते हैं। सन एक जायंट गैस बॉल है और सन की कोर की ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, जिसकी वजह से सन के हाइड्रोजन को सन की ग्रेविटी ने इतनी टाइटली पैक किया हुआ है, जिसकी वजह से यह एक साथ मिलकर हीलियम बनाते हैं। और इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। और ये न्यूक्लियर फ्यूजन हमारी अर्थ पे भी बनाया जा चुका है, और अभी तक पूरी दुनिया में 20 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। और ये न्यूक्लियर रिएक्टर अभी तक का सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर क्रिएट कर चुका है अर्थ पर, और ये टेम्परेचर 6 गुना ज्यादा है हमारे सन के टेम्परेचर से, जो कि 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। दोस्तों, ऐसे ही और मजेदार इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।